हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अगर आप एक गाड़ी चलाने वाले हैं, आप ड्राइवर हैं पहले से ही, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ना देखें। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें गाड़ी के ABC भी नहीं पता अभी तक। आप अगर गाड़ी चलाना जानते हैं तो जो आई बटन में मेरी वीडियो आ रही है उसे जाके देखें। अगर आप अभी गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो ये वीडियो ध्यान से देखें, आपके बहुत काम आएंगी। और आपने अगर मेरी पहली वाली वीडियो जिसमें मैंने गाड़ी का पिकअप कैसे लें या चढ़ाई पर गाड़ी कैसे चलाई वो सारी चीज़ें बताई हैं, तो ये जो आई बटन में अब वीडियो आ रही है ये वाली जाके देख लीजिए। और जो मैं आज बातें करने जा रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी सी सवाल मेरे से इतने सारे लोगों ने कमेंट्स में किया है, उम्मीद करता हूँ मैं आपके सारे सवालों का गियर से रिलेटेड और हैंड ब्रेक और स्टेयरिंग से रिलेटेड आपके सवालों का जवाब दे पाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ चाबी लगाते हैं ऐसे होल में, और मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि चाबी का क्या रोल है। चाबी स्टार्ट करने के लिए गाड़ी को सबसे पहले आपको करना है न्यूट्रल। न्यूट्रल जब आप गाड़ी को करेंगे तो सबसे पहले आप दबाइए, नीचे पैर लेके जाइए, देखिए एक्सेलेटर, ब्रेक और क्लच। लेफ्ट पैर मेरा क्लच पे, ये क्लच प्रेस किया मैंने और ये मैंने गाड़ी कर दी न्यूट्रल। मैं आगे बताऊंगा न्यूट्रल पूरी कैसे करते हैं। आपको बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि न्यूट्रल क्या लगता है, क्या होता है। ये ब्रेक्स होता है जो मैंने राइट पैर दबाया है। अब मैं आपको बताता हूँ गाड़ी को स्टार्ट करना कैसे। दोस्तों, ये चाबी लगी हुई है, सबसे पहले चाबी को जो आपको है, ये देखिए मैं अभी आपको घुमा के दिखाता हूँ। इसको चाबी लगा दी, अब इसको घुमाएंगे, पहले एक क्लिक बोलेगी इस तरह से, तो यहाँ पे हमारा जो स्टीरियो वगैरह होगा यहाँ पे इग्निशन ऑन हो जाएगा। आपको दिखाता हूँ, बत्तियाँ जल गई होंगी गाड़ी में, तो इग्निशन ऑन होने का मतलब है कि अब करंट आ गया है पूरे इंजन में। और स्टार्ट करने के लिए सिर्फ घुमानी है चाबी और बस छोड़ देनी है, ऐसे चाबी वापस अपनी जगह आ जाएगी। आगे घुमा के रखना नहीं है उसको, ऐसे बंद हो जाएगी। आगे फिर इग्निशन ऑन कीजिए और अब चाबी को घुमा के बस छोड़ दीजिए, ये अपनी जगह पे वापस आ जाएगी। दोस्तों, ये तरीका है गाड़ी स्टार्ट करने का। आप देखिए, मैं गाड़ी की चाबी निकालने की कोशिश करूंगा तो ये चाबी नहीं निकलेगी, जब तक इग्निशन होगा चाबी बंद करनी पड़ेगी, अब चाबी आराम से बाहर निकलेगी। अगर हम अब कोशिश करेंगे तो ये देखिए, ये चाबी निकाल लिया मैंने। दोस्तों, इस टाइम पे चाबी आप निकाल सकते हैं। अब आगे बात करते हैं स्टीयरिंग की। तो दोस्तों, अब देखिए स्टीयरिंग लॉक हो गया है चाबी निकालते ही। अगर आपको ये फिर अनलॉक करना है तो आपको चाबी अंदर लगानी पड़ेगी थोड़ा स्टीयरिंग को। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग ही नहीं घूम रहा है, तो चाबी लगाइए और इतना घुमाइए बस, और फिर देखिए ये स्टीयरिंग अब खुल गया है। लॉक इन लॉक ये भी जानना जरूरी है। आप बाहर निकाल लेंगे तो फिर अगर कोई इसे घुमाने की कोशिश करेगा तो फिर से स्टीयरिंग लॉक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप स्टीयरिंग लॉक अनलॉक करना समझ गए होंगे, हर गाड़ी के अंदर ये फीचर होता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं गियर्स की। तो ये आप देख रहे हैं गियर लीवर, इसमें 1 के नीचे 2, 3 के नीचे 4, 5 के नीचे R लिखा होता है, जो बीच में जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन दी हुई है, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, R, जो बीच में जो ये लाइन दी हुई है ये है न्यूट्रल। यहाँ पे गाड़ी न्यूट्रल होती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ गियर चेंज कैसे करते हैं और गाड़ी को न्यूट्रल कैसे करते हैं। सबसे पहले आप अपने लेफ्ट फुट से क्लच दबाया एक्सट्रीम, अभी हिला के देखेंगे, अगर ये पूरा इधर उधर जा रहा है तो समझिए गाड़ी आपकी बीच वाली लाइन पे है, इस वाली लाइन पे। तो लेफ्ट दबाएंगे, ऊपर पहुँचाएंगे तो ये फर्स्ट गियर लग गया। दोस्तों, आसान है, इसी के सामने छोड़ के देंगे तो फिर न्यूट्रल में आ जाएगी। फिर सेकंड गियर ऐसे ही लगाना है, ऊपर करके बीच में आ गई, ये न्यूट्रल होगी। हर गियर के बाद गाड़ी न्यूट्रल होती है, टू व्हीलर की तरह नहीं है कि चौथे से तीसरे में आएगी, तीसरे से उसमें आएगी। ये देखिए मैंने फोर्थ गियर लगा दिया, फिर छोड़ा, फिर न्यूट्रल होगी। अब पाँचवें लगाना, फिर राइट दबाना पड़ेगा इसको, तो फिर ऊपर करेंगे ऐसे ही, फिर छोड़ देंगे तो फिर ये तीसरे चौथे के सामने। हर गाड़ी में इसी तरह गियर लगते हैं। दोस्तों, आप ये चीज़ प्रैक्टिस कीजिए आराम से बैठ के, बहुत तसल्ली से, कि हमें गियर चेंज करने कैसे हैं। गाड़ी चलाते हुए कभी भी गियर लीवर नहीं देखना है, आपको ये प्रैक्टिस करते रहना है। देखिए मैं कितने आराम से ये गियर आपको समझा दिए हैं, आपका मुझे लगता है कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि कैसे गियर चेंज करते हैं। ये प्रैक्टिस कीजिए, आपको आँख बंद के गियर बंद करके गियर चेंज करने आने चाहिए मेरे दोस्तों। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप गियर का वाला फंडा समझ गए होंगे, गियर कैसे चेंज करते हैं कैसे नहीं। कल की वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगा, आगे बताऊंगा कि हैंड ब्रेक का क्या यूज़ होता है और गाड़ी को बैक कैसे करते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों, फिर से कहना चाहता हूँ, ये वीडियो सिर्फ नए ड्राइवर्स के लिए ही थी।